दोस्तों स्वागत है आपका ट्रांसलेटर की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे के भगत वर्मा के बारे में। जी हाँ, वही भगत जिनकी उम्र महज 23 साल है। ये दुनिया के युवा खिलाड़ियों में से एक हैं। इन्होंने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत अपने स्कूल टाइम से ही कर दी थी। दरअसल इनके कोच मोहम्मद इकबाल ने इन्हें सभी क्रिकेट के दांव पेच सिखाए। इनकी शुरुआत मजबूत बेसिक ट्रेनिंग के साथ हुई, जिसके कारण आज वो एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं और हमारे राइजिंग स्टार ऑफ द क्रिकेट भी बने। खैर जो भी हो, के भगत एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। ये राइट हैंड के बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज भी हैं। इन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट करियर की शुरुआत कोच बिहार ट्रॉफी में खेल कर की थी। हम आपको बता दें, रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह भगत के काफ़ी बड़े और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भगत बताते हैं कि उन्होंने इन दोनों ही स्पिनर से काफ़ी कुछ सीखा और अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी में लगातार काम किया। इन्होंने अपना पहला T20 डेब्यू मैच सन 2017-18 में आंध्रा के लिए T20 लीग में खेल कर किया था। भगत ने बल्लेबाजी करते हुए कुल 24 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 22 इनिंग्स में हिस्सा लिया और कुल मिलाकर 568 रन, वो भी 28.84 की औसत से बनाए हैं। वहीं इनका हाईएस्ट स्कोर 95 का है। इस दौरान ये 3 बार नॉट आउट भी रहे थे, जो किसी ऑलराउंडर के लिए बढ़िया रिकॉर्ड को दिखाता है। वहीं अगर इनकी गेंदबाजी की बात की जाए तो इन्होंने कुल 24 मैचों में गेंदबाजी की है, जहां कुल मिलाकर 176 ओवर फेंके। इस दौरान 19 मैडन ओवर निकालकर 772 रन दिए और बदले में 33 विकेट अपनी झोली में लिए। तो दोस्तों अब IPL का दौर है, तो जाहिर है कि IPL के आंकड़े कितने मस्त और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो चलिए वो भी एक बार देख ही लेते हैं। भगत वर्मा ने अपने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते फरवरी 2021 में CSK ने उन्हें 20 लाख के बेस प्राइस में अपनी ओर शामिल किया, अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। IPL 2021 में खेलने का मौका नहीं मिला, इसके बाद भी इनकी किस्मत बढ़िया ही समझिए और तब से आज 2023 तक भी वो CSK के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि चेन्नई ने इनको इस साल फिर से रिटेन किया। अब आगे देखते हैं उनका प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहता है और इस सीजन में कितना खेल पाते हैं। CSK इस बार अगर मौका देती है तो ये कितना उस मौके को बुना पाते हैं। बस दोस्तों, इस शानदार ऑलराउंडर के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और किसी भी क्रिकेट अपडेट्स के लिए अभी जुड़े ट्रांसलेटर के साथ।